हो जाइए सावधान, परफेक्ट ग्रुप के नाम पर हो रहा है ठगी। अगर बचना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तुर्की जैसे भी करके भेजना है हमको, तो यही करके मेरे को ठग लिया। दिन भर फोन किया, रात भर फोन किया, फिर भी उसका फोन लिया, मैंने ठग लिया और इतना बड़ा हम धोखा में। दूसरा जगह काम मत कराइए, परफेक्ट ग्रुप का एक ही ऑफिस है। दोस्तों आज फिर से एक बार परफेक्ट ग्रुप के नाम पर शिकार हुए हैं गलत ऑफिस में जा करके। ठीक है, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कि ये लोग जो गिरोह चला रहे हैं परफेक्ट ग्रुप के नाम पे, एकदम पूरी तरह से आप देख करके समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या है कैसे है। एकदम पूरी चीज़ें आपको दिखा दूँ मैं। ये देखिए, ऑफर लेटर, ठीक है, एग्रीमेंट लेटर, वीजा, टिकट, सब प्रॉपर रूप में दे रहे हैं ये लोग। आपको पलट करके मैं दिखाना चाहूँगा। ठीक है, इसमें आपको देखिए एकदम पूरा साइन वगैरह, फोटो वगैरह लगा करके ये लोग दे रहे हैं। ठीक है, कहीं से आप ये समझ नहीं पाएंगे कि आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। तो दोस्तों बार बार यहाँ से बोला भी जाता है परफेक्ट ग्रुप ऑफिस से कि आप लोगों को अगर कहीं से भी कोई दिक्कत होती है तो आप एक बार ज़रूर ऑफिस पे आ करके डायरेक्ट अपना काम कराइए, ताकि आप ठगी से बच सकें। दोस्तों आज हमारे पास कलकत्ता से दो लोग आए हैं जो कि इसके शिकार हुए हैं। ठीक है, तो आज मैं उन लोगों से मिलवा रहा हूँ और जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, ये लोग कैसे पूरा ये सब मामला जो है इनके साथ हुआ है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, ताकि आप इसके शिकार ना हो सके। तो आइए मिलते हैं और बात करते हैं उनसे। जी क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम गोविंद मिस्त्री, मैं श्रीरामपुर हुगली डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ जी। मैंने बात किया था एजेंसी से, बात किया था तो उसका एजेंसी है टालीगंज मुचीपाड़ा फास्ट फ्लोर में, बैंक ऑफ स्टेट बैंक है। थर्ड फ्लोर में सद्दाम भाई के बैनर लगा हुआ है, वो ऑफिस में सद्दाम भाई के नाम पर के जो है ऑफिस में लगाए हुए हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको मतलब कैसे मतलब यहाँ तक पहुँचे आप? पहले क्या मतलब आप देखे यूट्यूब पे, कैसे देखे या कहाँ देखे? सद्दाम भाई के तो हम हर वीडियो यूट्यूब में देख रहा हूँ। अच्छा, तो हम सोचा सद्दाम भाई तो ऐसे गलत काम नहीं करता, तो वही भरोसा है, मैंने हुआ कूद गया। तो कूदने के बाद अभी हमारा फ्लाइट 4 तारीख को था, तो हम उसको बार बार बोला था भाई एयरपोर्ट से घूमने नहीं पड़ेगा ना, एयरपोर्ट में रात नहीं कराना पड़ेगा। बोले नहीं नहीं भाई, तुमको सब ठीक ठाक दिया, सब कुछ आपको दिखाया। तो दे उसको बाद पेपर में आपको कौन कौन से पेपर दिया उसने? मेरे को पहले मेरे को एक ऑफर लेटर दिया था, उसको बाद देने के बाद फिर एग्रीमेंट पेपर दिया था, उसको बाद देने के बाद वीजा दिया, उसको बाद मेरे को टिकट दिया। टिकट दिया मैंने उसको, ट्रैकिंग नंबर होता वो, ट्रैकिंग नंबर वो जब से टिकट दिया तब से उसको बोला मेरे को ट्रैकिंग नंबर दे दो। बोला नहीं, 48 घंटा पहले नहीं मिलता, तो 48 घंटा बीत गया। उसको बाद उसको फोन करा, बोला तुम काहे का टेंशन ले रहा भाई, तुम एयरपोर्ट में आओ ना, तुमको तुर्की जैसे भी करके भेजना है हमको। तो यही करके मेरे को ठग लिया। तो उसको बाद वो बंदा को मैंने दिन भर फोन किया, मैंने 4 तारीख से उसको फोन किया, पूरा 5 तारीख तक दिन भर 24 घंटा फोन किया, फोन नहीं उठाया। उसका हमारा लिस्ट भी है, मैंने कितना बार कॉल किया वो आपको दिखा सकता हूँ, किंतु मेरा फोन नहीं उठाया। 5 बंदा के नंबर है, 5 बंदा की नंबर स्विच ऑफ बता रहा है, सारे नंबर स्विच ऑफ बता रहा है। कब आपको पता चला कि मतलब हमारे साथ ये गलत हो गया? 4 तारीख को सुबह हम जब दिल्ली न्यू दिल्ली स्टेशन में उतरा एयरपोर्ट जाने के लिए सोच रहा था, 4 तारीख सुबह हम लोग उधर मेट्रो के पास जाके उसको फोन किया सुबह 6 बजे से, तो उस टाइम से नंबर बंद दिखाई दे रहा है। तो हमारे साथ एक बंदा था, उसका नाम है पलाश मयूर, वो बोला अभी ऑफिस नहीं खुला है, एक दिन साथ उसका फोन बंद है। तो हम बोला चलो यही बात है, फिर भी हम उसको हर घंटा में फोन करते रहे, पूरा दिन भर फोन किया, रात भर फोन किया, फिर भी उसका फोन नहीं लग रहा। आज भी उसको फोन ट्राई किया, आज भी सेम ही दिखा रहा है स्विच ऑफ, 5 नंबर में कॉल कर रहा हूँ, कोई नंबर उसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, सारे नंबर बंद हो चुके हैं, नंबर बंद हो चुके हैं। ठीक है, अब कितना पैसा आपसे लिया वो? हमारा से दोनों बंदा से पैसा लिया, एक एक बंदा से 80,000 रुपया करके लिया। तो हम लोग दोनों बंदा पैसा दिया, तो हमारा साथ वो हमारा साथ डीलिंग किया था, तुम्हारे साथ फॉरवर्ड नहीं होगा, हमारा ऑफिस ऐसे नहीं है, सद्दाम भाई तुमसे गलत काम नहीं करेगा, ये भी बोला था। उसको बाद बोलने में चलो ठीक है, जब सद्दाम भाई का आया बीच में तो हम वही सोच के उसको पैसा दिया। तो पैसा देने के बाद मेरा पास इतना मैंने ठग लिया और इतना बड़ा हम धोखा में गिर गया। दोस्तों बार बार ये कहा जाता है कि परफेक्ट ग्रुप ऑफिस पे ही आकर के आप लोग अपना काम कराइए, बाहरी फोन पे किसी के बहकावे में नहीं आना है। आइए दूसरे लोगों से मिलाता हूँ जो कि कोलकाता से आप भी हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम पलाश मयूर। अच्छा अच्छा, कैसे मतलब क्या आपके साथ कैसे क्या हुआ, आप पूरे डिटेल? पहले ऑफर लेटर भेजा, ऑफर लेटर भेजने के बाद फिर एग्रीमेंट के लिए बुलाया, एग्रीमेंट के लिए हम लोग ऑफिस गए। ऑफिस में जब एग्रीमेंट हुआ तो हम लोग सोचे सचमुच काम हो रहा है, तो उसके बाद धीरे धीरे हम लोग पैसे देने लगे। ऑफर लेटर फिर जब ये मिला, ऑफर लेटर के समय एग्रीमेंट के समय में कुछ पैसे लिया,
फिर आपको जो वीजा दिया, वीजा देने के बाद कुछ पैसा लिया, वीजा देने के बाद पैसा, टिकट देने के पहले ही पूरा पैसा क्लियर कर लिया। लेने के बाद जब हम लोग फोन कर रहे हैं कि ट्रैकिंग नंबर दीजिए, तो बोलता है जिस बंदा के अकाउंट से मैंने नंबर से टिकट काटा है उसी बंदा के पास सारे कुछ आता है, ये ग्रुप टिकट है। ग्रुप टिकट के बहाने में हम लोग ये ठग लिया। और टिकट का टाइमिंग में हम लोग जब पहुंचे, उससे पहले जो फोन कर रहा था, फोन इन लोगों को बंद था, 4 तारीख से टोटल बंद था, 3 तारीख तक भी हम लोग को सुबह बोला कि हम दिल्ली पहुंच गए हैं, आप आओ दिल्ली में मुलाकात हो, हम रूम में जाकर फेस होकर के आपको बात करते हैं। लेकिन बात किया नहीं, कभी भी जो बोल दिया थोड़ा देर बाद में बात करते हैं, बात किया नहीं। उसके बाद जब हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, एयरपोर्ट में हम लोग टिकट लेके पहुंचा था, ये नहीं कि हो सकता है वो लोग आ नहीं पाया कि हम लोग टिकट में चले जाए, जबकि उन लोगों का बात था दिल्ली में मुलाकात करेगा उस एजेंट का ऑनर, और तुर्की जा करके वहाँ भी एक आदमी मिलेगा वहाँ मिलेंगे, जो कि वो अगला काम वहाँ करवा करके तब वो निकलेगा, यह बात था। तो उसमें से सारा बात झूठा निकला, सारा फ्रॉड निकला, हमको यही समझ में आया। ये भी समझ में नहीं आया, एयरपोर्ट से रिटर्न करवा दिया। जब इसको बोर्डिंग पास कराने गए तो बोर्डिंग पास में हम लोग के मालूम चला भाई तुम्हारा टिकट में नंबर नहीं है, तुम एक नंबर काउंटर में चल जाओ। तो हम एक नंबर काउंटर में गया तो वो बोला नहीं तुम उधर से अंदर चल जाओ। तो हम उसको वीजा दिखाया, हमको अंदर जाने दिया। उसके बाद मैं जब अंदर गया बोर्डिंग पास जहाँ पर होता हमारा वीजा इंटरनेशनल, उधर गया वो लोग वीजा टिकट चेक किया, बोला नहीं टोटली फेक है, तुमको झूठ मूठ के दिया। फिर मेरे को पीछे से गेट से मेरे को निकाल दिया, वो सामने गेट से मेरे को आने नहीं दिया, बोला पीछे से तुम चल जाओ। तो इतना बड़ा हम गलत फंस में फंस गया, मैंने हम बोर्डिंग पास पॉइंट तो पहुंच गया। ऐसे तो बंदा बोर्डिंग पास पॉइंट तो नहीं जा पाता, किंतु हम कैसे भी करके बोर्डिंग पास पॉइंट तो पहुंच गया जो तुर्की का बोर्डिंग पास होता। उधर जाने के बाद उधर जो साहब लोग रहता, साहब लोग बोला टोटल फेक है। आप यहाँ आए परफेक्ट ग्रुप के बारे में देखे आप सारी चीजें, क्या आपको लगा? हम परफेक्ट ग्रुप का ऑफिस में आया, हमको सब सही सलामत लगा। एक मैंने जेन्युइन ऑफिस है, भारत में एक ही ऑफिस है, तो हम सोच रहा परफेक्ट जिसको भी काम कराना परफेक्ट ग्रुप में आके काम कराइए, दूसरा जगह काम मत कराइए, परफेक्ट ग्रुप का एक ही ऑफिस है। कहाँ पे है ये ऑफिस? ये ऑफिस गोरखपुर में है, वो कॉलेज के नाम मदर मोहन इंजीनियरिंग कॉलेज के, मोहन इंजीनियरिंग कॉलेज के पास से रास्ता निकला है, वो रास्ता निकल के मस्जिद के बगल से आना है, वहाँ एक मुदीखाना दुकान है, दुकान के पास से गोली निकलता तो पूरा सद्दाम भाई के ऑफिस आ जाता। तो यहाँ पर कोई आदमी से पूछने की उतना जरूरत नहीं है, किंतु संताप भाई जो काम भी करता है पूरे जेन्युइन भावे काम करता है। बाहर से आदमी आता है, इंटरव्यू लेता है, पास होता है, सिलेक्शन होने के बाद ही उसको वीजा मिलता तत्काल। तो पास नहीं होगा तो उसको वीजा नहीं मिलेगा। ये है सद्दाम भाई जो भी काम करता है जेन्युइन टाइप का काम करता है, और इसका ऑफिस सद्दाम भाई के ऑफिस एक ही ऑफिस है इंडिया में, वो भी गोरखपुर में, उनको फेक करके पैसा मिलता। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का कि ताकि देखिए दोस्तों आप लोग ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, साक्षात प्रमाण है आप लोगों के सामने कि कहीं से भी आप शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को हर चीज़ कोई भी चीज़ है आप यहाँ पे आइए, ऑफिस पे आइए, मिल करके बात करिए, ठीक है, ताकि आप इतने बड़े फ्रॉड से, इतने बड़े स्कैम से आप बच सकें। इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि भाई लोग भी मदद कर रहे हैं, ताकि मतलब आप लोगों तक ये मैसेज जाए और आप लोग इस के शिकार से होने से बचें। दोस्तों परफेक्ट ग्रुप गोरखपुर ऑफिस में आने के लिए कहीं से भी आप आए, आपको पूछना होगा कि मदन मोहन इंजीनियरिंग कॉलेज आगे रानी डिया चौराहा, देखिए रानी डिया चौराहा का दृश्य है, और यहाँ से जो है आपको लेफ्ट मुड़ना रहेगा, लेफ्ट आप मुड़ेंगे हर एक जगह परफेक्ट ग्रुप लिखा हुआ है, वही देख के आना। देखिए यहाँ पर भी एक बैनर लगा परफेक्ट का, और यहाँ सीधा मंदिर जो सामने आप देख रहे हैं वहाँ से दाहिने आपको मुड़ना है, जहाँ से बाइक के भाई साहब लेके आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से दाहिने मुड़ेंगे तो आपको परफेक्ट ग्रुप का देखिए बगल में भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए परफेक्ट ग्रुप लिखा हुआ है, मात्र सिर्फ जो है 400 मीटर यहाँ से दूरी है, और सीधे इसी रोड से आपको आगे जाना होगा। आगे आगे देखिए ये भी परफेक्ट ग्रुप लिखा हुआ मिलेगा, सीधा यहाँ से सिर्फ 100 मीटर आगे जाएंगे। दोस्तों जब आगे आ जाएंगे देखिए आगे भी मिलेगा आपको परफेक्ट ग्रुप लिखा हुआ, यहाँ से लेफ्ट मुड़ना है, और सिर्फ यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे है परफेक्ट ग्रुप, और यहाँ से सीधे आगे जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पहुंचते ही आपको आगे से दाहिने मुड़ना रहेगा, सामने लिखा भी है, यहाँ से सीधे दाहिने मुड़ेंगे और यही रोड आगे से जो है बाएं मुड़ा है, रोड को दोस्तों कहीं छोड़ना नहीं है, आगे से फिर बाएं मुड़ेंगे जो कि देखिए आगे बाएं मुड़ा हुआ, बाकी ये सीधे आप आते जाएंगे, कहीं मुड़ना नहीं है, पक्की रोड पकड़ के सीधे आना है। देखिए जो है यहाँ पर भी परफेक्ट लिखा है, और यहाँ से कच्चा रोड सीधा स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से सीधा कच्चा रोड से ही सीधे आपको आगे आना है,
और आगे से देखिए लिफ्ट मुड़ना है, सामने आपको परफेक्ट ग्रुप का बोर्ड दिख जाएगा। और जो है यहाँ से देखिए मुड़े आप लेफ्ट और सामने देखिए वहाँ पे दीवार दिख रहा है, एकदम लास्ट में चार दीवारी है जहाँ पे रोड खत्म होता है, आगे से फिर मुड़ना है। देखिए दीवार पे जो है परफेक्ट ग्रुप लिखा है, यहाँ से दाहिने मुड़ना है और दाहिने मुड़ते ही यही रोड को कहीं छोड़ना नहीं है, रोड थोड़ा घूमते हुए आया लेकिन रोड को छोड़ना नहीं है, आगे से आप लेफ्ट आ जाएंगे दोस्तों, यही से लेफ्ट मुड़ेंगे और लेफ्ट सीधा जाके फिर यही रोड एक बार और लेफ्ट मुड़ा है, उसी के सामने परफेक्ट ग्रुप का बोर्ड आपको दिख जाएगा। ये देखिए आगे से यही लेफ्ट मुड़ेंगे आप, लेफ्ट मुड़ते ही आपको परफेक्ट ग्रुप दिख जाएगा दोस्तों। आप आ गए परफेक्ट ग्रुप पे, ध्यान दीजिएगा गाड़ी वाली जो भी खड़ा करना मैं बता रहा हूँ वहीं पे खड़ा करना है। आगे जो व्हाइट कलर के बैकग्राउंड देख रहे हैं, अपने देश का झंडा लगा हुआ है, परफेक्ट ग्रुप का बोर्ड भी लिखा है, यहीं पे आना है, मैं गाड़ी बता रहा हूँ कहाँ खड़ा करना है दोस्तों। ये देखिए परफेक्ट ग्रुप का जो है गेट आ जाएगा, गाड़ी कहाँ खड़ा करना है मैं बता रहा हूँ। आगे आप सीधा आएंगे, देखिए बड़ा सा चार दीवारी मैंने लगवा दिया है, कैमरा भी लगा है, गाड़ी सिर्फ इसी के अंदर है, जो बड़ी वाली चार दीवारी आप देख रहे हैं इसी के अंदर जो है खड़ा करना है और कहीं नहीं। यहाँ पे आप गाड़ी खड़ा करके, यहाँ गाड़ी खड़ा करके फिर अंदर ऑफिस को आना, ऑफिस आएंगे सीधा वहाँ पे रिसेप्शन है आगे, वहाँ पे अपना पूछताछ करके जो भी काम है अपना करवा सकते हैं दोस्तों। और इधर जो है पानी पीने के लिए आरओ लगा है और इधर बाथरूम है, इस सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।